कुछ बस पढ़े, चाकू छोड़े, कलम हाथ में ले और चाकू की कब्र बनाए, चाकू की कब्र बनाए और कलम को दिल से लगाए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने फिर रामपुरी चाकू पर निशाना साधा है और रामपुरी चाकू की कब्र बनाने तक की बात कर दी है। आपको बता दें, योगी सरकार ने रामपुरी चाकू को बढ़ावा देते हुए रामपुर में एक चाकू चौराहा बनाया है, वहां पर एक बड़ा चाकू भी बनाया गया है। आजम खान ने तब चाकू की तुलना कमल से की थी। अब आजम खान अपनी जौहर यूनिवर्सिटी और सपा नेताओं का डेलीगेशन लेकर रामपुर के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और जौहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन और उसके बारे में बता रहे हैं। बुधवार को आजम खान ने रामपुर के मिलक और बिलासपुर इलाके में दौरे किए। इस मौके पर आजम खान ने कहा कि जो शहर अपनी बदनामी से मशहूर था और रामपुरी चाकू से जाना जाता था, उसको पहचान कलम से करा दी है। घटिया लोग चाहे कुछ भी साजिशें करें, एक बार फिर अगर रामपुर के बच्चों के हाथों में चाकू देना चाहोगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो चाकू जो बच्चों के हाथों में पकड़ने की कोशिश की गई, आने वाले वक्त में उनकी कब्र बनाएंगे। जो शहर अपनी बदनामियों से मशहूर था और रामपुरी चाकू से जाना जाता था, उसकी पहचान कलम से करा दी है। घटिया लोग चाहे कुछ भी साजिशें करें और एक बार फिर अगर रामपुर के बच्चों के हाथों में चाकू देना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वो चाकू जो बच्चों के हाथों में पकड़ाने की कोशिश की गई है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उसकी कब्र बनाएंगे। वैसे आपको बता दें, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल के बाद अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई थी कि अब आजम खान और अब्दुल्ला की सदस्यता भी बहाल हो सकती है, लेकिन आजम खान की मुश्किलें अभी भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हेट स्पीच मामले को लेकर पुलिस विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। वैसे हाईकोर्ट ने आजम खान की रिट को खारिज करते हुए आवास का सैंपल देने के लिए आदेश दिए थे। अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की आवास का नमूना लेने की तारीख को मुकर्रर करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि तारीख तय करने के बाद सपा नेता को इसके बारे में अवगत कराएं। कोर्ट ने आजम खान को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। ये आदेश कोर्ट ने उनके खिलाफ टांडा थाने में दर्ज SC ST एक्ट के मामले में दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।